गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टेट के बारे में। हरियाणा स्टेट की जीके के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो से डिस्कस करेंगे हमने। सो वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि इसी वीडियो में हमने जितना भी हरियाणा स्टेट रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू रहे उसी का डिस्कस करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा। हरियाणा के ये पहला क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, हरियाणा का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सी है। ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्लैक बक। ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक बक उसे और उसे इंडियन एंटेलोप भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखना। और ये जो कि स्टेट एनिमल है। और ये ऑप्शन बी पे जो देख रहा है इंडियन एलिफेंट, ये जो कि झारखंड कर्नाटक एंड केरल की स्टेट एनिमल है। याद रखिएगा, जो इंडियन एलिफेंट झारखंड केरल और कर्नाटक की स्टेट एनिमल है, इंडियन बिसन। ऑप्शन सी जो कि देख रहा है, ये हमने कल ही डिस्कस की थी इसके बारे में, गोवा स्टेट की जो कि स्टेट एनिमल है, गोवा और बिहार की भी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये ऑप्शन डी पे जो देख रहे हैं रॉयल बंगाल टाइगर, ये तो आपको पता ही होगा, इंडियन नेशनल एनिमल, याद रखना, जो कि हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, मुझे याद आ रहा है ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो टाइगर का साइंटिफिक नेम भी है, याद रखिएगा, पंथेरा टाइग्रिस इसका जो साइंटिफिक नेम है, याद रखना। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब ये जो टाइगर को कौन से ईयर में इंडियन नेशनल एनिमल बनाया गया, कौन सी ईयर में यही पूछा गया, मतलब इसका आंसर है, मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुना, अप्रैल 1973 में, याद रखना, ये इंडिया का जो कि नेशनल एनिमल बनाया गया। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सी है। ये है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नील कमल और लोटस, याद रखना। और जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रहा है ये सभी को याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, ये जो हरियाणा है ये ऐसा ही एक स्टेट है जो कि सबसे रिचेस्ट मामले में आती है, मतलब ध्यान से सुना, इसका जो एरिया डिस्कस करेंगे, याद रखना 44,212 किलोमीटर स्क्वायर की है इसका एरिया, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं, ये स्मॉलेस्ट है, याद रखिएगा। और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है गोवा, और इसका एरिया है 44, याद रखिएगा, ये जो एरिया है ये हरियाणा का 44,212 किलोमीटर स्क्वायर की है। कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़ कैपिटल, और सीएम के बारे में बात करें तो याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर सीएम है। और गवर्नर कौन है, गवर्नर को भी डिस्कस करेंगे, गवर्नर है, याद रखना, जो कि बंदर्व दत्तात्रेय जो कि गवर्नर है हरियाणा के, अच्छे से याद रखना। और ये बात भी अच्छे से सुनना, जो सबसे 3 डेवलप्ड स्टेट में से इसका नाम आती है, मतलब हरियाणा का नाम, ये बात अच्छे से याद रखना, डेवलप्ड स्टेट में से गुजरात तमिलनाडु, ऐसे ही हरियाणा महाराष्ट्र का भी नाम आ रहा है, याद रखना, जो कि डेवलप्ड स्टेट है, इंडिया की सबसे डेवलप्ड स्टेट है, याद रखना। और ये एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 3, व्हिच सिटी इन हरियाणा इज नोन एज द सिटी ऑफ वेवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी हरियाणा का कौन सी सिटी को जो कि सिटी ऑफ वेवर्स नाम से जाना जाता है। ये है पानीपत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पानीपत। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रहा है, याद रखना, इसी प्लेस पर, मतलब ये जो पानीपत ये सिटी पर, इसी प्लेस पर 3 बैटल हुआ है, सबसे बड़ी बैटल हुआ है, अच्छे से याद रखना, आपको पता ही होगा, हमने कई बार डिस्कस किया है इसके बारे में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये सभी इसी प्लेस पर हुआ है। अभी हमने इसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा 1526 में हुआ है, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526-21। और एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूँ तो 1526-21 अप्रैल को ये हुआ है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एग्जैक्ट डेट है। और किसके पीछे हुआ है, ये हुआ है
बाबर एंड लोदी के बीच, बाबर एंड लोदी के बीच हुआ है ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, याद रखिएगा। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, ये बाबर और लोदी के बीच, मतलब ये बाबर ने विन की थी, लोदी ने, लोदी को हरा कर उन्होंने विन की थी। कंप्लीट हुआ 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड हुआ 1556 में, याद रखिएगा 1556। इसका एग्जैक्ट डेट भी याद रखना चाहिए, जो 5 नवंबर को ये हुआ था 1556 5 नवंबर को, याद रखना। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जो विन की थी वो है अकबर ने, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और आया, और जो कि आया 1761 की बात है, वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था, याद रखिएगा, ये है इम्पोर्टेंट है। और ये एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूँ तो ये 14 जनवरी को ये हुआ था, याद रखना 14 जनवरी को ये हुआ था। और याद रखिएगा, यहाँ हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ दी जा रहा है। याद रखिएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 14 जनवरी 1761 में मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर के बीच, ये बात अच्छे से याद रखना। याद रखिएगा जो दुरानी एम्पायर ऑफ अफगानिस्तान की, वो कौन था, उसका नाम है अहमद शाह, याद रखना अहमद शाह, जो कि इसके बीच हुआ था मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर, और उन्होंने ओन की थी, जीती थी, किसने, अहमद शाह ने, याद रखिएगा। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761, फर्स्ट बैटल 1526 21 अप्रैल 1526, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, याद रखिएगा 5 नवंबर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी को याद रखना, जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन हरियाणा इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। ये जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये ऑर्गेनाइज की जाती है एनुअली हरियाणा में, ये बात अच्छे से याद रखना। सूरजकुंड फेस्टिवल मेला ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट की जाती है, ये सेलिब्रेट की जाती है फरीदाबाद में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फरीदाबाद, अच्छे से याद रखना। और ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, जो हरियाणा का टोटल डिस्ट्रिक्ट है, टोटल डिस्ट्रिक्ट वो है 22 डिस्ट्रिक्ट, टोटल डिस्ट्रिक्ट, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा दैट इन्वॉल्व्स बोथ मैन एंड वोमैन एंड इज नोन फॉर इट्स एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट मूव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना, व्हाट इज द ट्रेडिशनल डांस, जो कि कौन सी ट्रेडिशनल डांस, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, इसका आंसर है मैं आपको बता दूँ, अच्छे से याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, झूमर, याद रखना झूमर। और ये जो ऑप्शन ए देख रहे हो, भांगरा, ध्यान से सुना, भांगरा ये पंजाब की स्टेट डांस। और ये जो बी देख रहे हो, घूमर, जो कि है राजस्थान स्टेट की, ये स्टेट डांस, अच्छे से याद रखना। और ऑप्शन डी है ओडिसी, ये तो ओडिशा का स्टेट डांस है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया इन हरियाणा, अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, जो हरियाणा का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, मतलब सबसे जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की वो है, याद रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिरसर ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, मतलब हरियाणा की ये सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो अच्छे से याद रखना, जो स्मॉलेस्ट है वो है पंचकूला, याद रखिएगा, जो पंचकूला जो कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे लार्जेस्ट जो कि सिरसर, याद रखना हरियाणा का ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द भक्रा डैम वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुना, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो भक्रा नंगल डैम, अच्छे से याद रखना। मैंने इसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन भी दी है और कई बार भी बताया जो भक्रा नंगल डैम के बारे में। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, जो भक्रा डैम है वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ये आपको पता ही होगा, इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा का कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो देख रहे हो, यमुना नगर, याद रखना ये यमुना नगर में स्थित है, अच्छे से याद रखना। ये जो मतलब ये स्लाइडली मतलब कुछ ही पार्ट इसका
जो कि यमुनानगर में स्थित है। बट एक्चुअल में ये याद रखना सतलेज रिवर के ऊपर मतलब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिलासपुर मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अच्छे से याद रखना। मतलब इसका जो स्लाइडली मतलब कुछी पार्ट जो कि यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो स्टेट ट्री है वो कौन सी है, अच्छे से याद रखना। ये है बानियन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बानियन जो कि हरियाणा का स्टेट ट्री है, अच्छे से याद रखना। और ये जो ऑप्शन बी देख रहे हो उसे भी हमने डिस्कस करी है, जो ऑप्शन में दी गई है, ये जो दी गई है पीपल जो कि ये ओडिशा का, अच्छे से याद रखना, ओडिशा का अश्वत्थ, याद रखिएगा अश्वत्थ और पीपल उसे कहा जाता है। ये ओडिशा का स्टेट ट्री है। नीम कौन से स्टेट की स्टेट ट्री है, ये है आंध्र प्रदेश की, या अच्छे से याद रखना ऑप्शन सी जो कि देख रहे हो नीम, ये आंध्र प्रदेश की स्टेट ट्री है। और ये बात अच्छे से याद रखना, मुझे और एक याद आ रहा है, जो नेम है इसका साइंटिफिक नेम है आजा डायरेक्टिन, अच्छे से याद रखना आजा डायरेक्टिन। और ये जो मैंगो देख रहे हो ऑप्शन डी, ये अच्छे से याद रखना ये महाराष्ट्र की स्टेट ट्री है, याद रखना। और ये जो बानियन जो कि स्टेट ट्री हरियाणा की। नेक्स्ट नंबर 9, व्हिच फेमस बैटल टू प्लेस इन 1526 इन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पानीपत हरियाणा। अभी हमने डिस्कस की रिसेंटली, ये है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था 1526 में, जो कि बाबर और लोदी के बीच हुआ था, याद रखिएगा बाबर ने ओन की थी, याद रखना ये हुआ था जो कि 1526 में। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का जो एग्जैक्ट डेट है अभी हमने डिस्कस की थी 21 अप्रैल 1526 को, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556, और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये 1761 14 जनवरी में हुआ था, अच्छे से याद रखना। ये जो पानीपत हुआ था ये पानीपत स्टेट मतलब पानीपत सिटी में हुआ था जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पॉपुलर बार्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क रहे मतलब पॉपुलर बार्ड जो कि पॉपुलर बार्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो आप इसका आंसर भी कमेंट करते रहना, और अच्छे से याद रखना हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपने कोशिश करते रहना इसका आंसर देने के लिए, और आपने सच बताना कितनी के आंसर सही कर पाते हो। याद रखिएगा ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क मतलब पॉपुलर बार्ड सेंचुरी ये स्थित है गुरुग्राम में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गुरुग्राम, अच्छे से याद रखना। और ये बात भी अच्छे से याद रखना मतलब हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा जो कि इतना डेवलप्ड स्टेट है, मतलब इसमें 80 एथलीट जो कि पार्टिसिपेट की थी, मतलब ये जो एशियन गेम 2023 में जो कि 80 एथलीट ने, याद रखिएगा 80 एथलीट जो कि पार्टिसिपेट की थी हरियाणा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से 30 मेडल अचीव की थी, जो कि 30 पार्टिसिपेट ने जो कि मेडल अचीव की है। मतलब अभी हमने जो डिस्कस की थी जो एशियन गेम 2023 के बारे में जो करंट अफेयर टॉपिक में, मतलब टोटल जो इंडिया ने टोटल मेडल अचीव किए वो है टोटल मेडल 107, अच्छे से याद रखिएगा मैंने आपको तो बताई थी। और इनमें से गोल्ड है मतलब गोल्ड मेडल है 28 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 30 सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल है 41, अच्छे से याद रखना ये गोल्ड मेडल 28 सिल्वर 30 और ब्रॉन्ज है 41, और ये सभी मेडल में से 30 मेडल जो कि हरियाणा से आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हरियाणा से जो कि 80 एथलीट ने पार्टिसिपेट की थी वही एशियन गेम 2023, ये बात भी अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब ये जो एशियन गेम 2023 ये कौन सी कंट्री में हुआ था, ये हुआ था हैंगचू चाइना में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एशियन गेम 2023 मतलब ये 2023 नहीं ये 2022 होना चाहिए था, और ये 2023 क्यों हो गया, मतलब ये पोस्टपोन की गई थी, मतलब 2022 में ये होने वाला था पर ये 2023 में की गई, इसीलिए इसका नाम 2023 रखा गया। हमने थोड़ा बहुत हटकर टॉपिक से हटकर बात कर रहे हैं ना, बट ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए बात कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 11,
विच इज़ द ऑफिशियल बार्ड ऑफ हरियाणा, ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है। जो हरियाणा का ऑफिशियल बार्ड कौन सी है, मतलब स्टेट बार्ड है, अच्छे से याद रखना। ब्लैक फ्रैंकोलिन, याद रखना ऑप्शन ए है ब्लैक फ्रैंकोलिन। और इसका नाम भी याद रखिएगा, जो ब्लैक पैट्रिडेज भी कहा जाता है इसका नाम, और काला टिटिर भी कहा जाता है उसे, काला टिटिर याद रखिएगा। और ये जो ऑप्शन बी देख रहे हो इंडियन रूलर, ये ओडिशा तेलंगाना और कर्नाटक की स्टेट एनिमल है। इंडियन जो इंडियन पी फूल देख रहे हो, ये एक पिकॉक की एक वेराइटी है, मतलब ऑप्शन सी पे जो आप देख रहे हो ना, ये एक पिकॉक की वेराइटी है, मतलब पीपल पिकॉक की जो एक फीमेल टाइप की वेराइटी है उसे पी फूल कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। और ये बात बस इतना ही याद रखना, हरियाणा का स्टेट वर्ड है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हरियाणा विथ ग्रेट एंथुसियाज्म मार्क्स द एंड ऑफ व्हिच सीजन एंड द बिगनिंग ऑफ लॉन्ग डे। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, मतलब ये जो लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है हरियाणा में, मतलब ये कौन से सीजन में सेलिब्रेट की जाती है, मतलब ये क्वेश्चन में भी आपको हिंट्स दी गई है, मतलब जो कि द बिगनिंग ऑफ लॉन्ग डे, याद रखिएगा जो डे लॉन्ग डे का शुरू हो जाती है कौन से सीजन से, विंटर सीजन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विंटर, जो कि ये जो लोहरी फेस्टिवल है ये हरियाणा की फेस्टिवल है, सेलिब्रेट की जाती है उसी प्लेस पे, और ये विंटर सीजन में से शुरू की जाती है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 13, व्हिच सिटी इन हरियाणा इज नोन एज द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंडिया के जो स्पोर्ट्स कैपिटल है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया एंड हैज होस्टेड सेवरल इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, ये इसीलिए इंडिया का स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जाता है, मतलब ये इसी प्लेस पर, ये जो सिटी पर, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सी सिटी पर, मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट हर बार यहाँ खेला जाता है, मतलब कौन सी प्लेस में, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो देख रहे हो सोनीपत, याद रखना ये जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसी प्लेस पर ये जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स वगैरह ये होती है, कई बार होती है, इसीलिए इसी प्लेस को जो कि कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द भगवत यगना इज द फेमस रिलीजियस फेस्टिवल हेल्ड इन व्हिच सिटी ऑफ हरियाणा। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, जो भगवत यगना एक फेस्टिवल है, मतलब हरियाणा की कौन सी सिटी में ये सेलिब्रेट की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेलिब्रेट की जाती है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुरुक्षेत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्योंकि इसी प्लेस पर महाभारत वार हुआ था, मतलब 900 BC में जो कि महाभारत वार हुआ था कौरव और पांडव के बीच, इसी प्लेस पर, इसी कुरुक्षेत्र प्लेस पर, सो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये कुरुक्षेत्र प्लेस पर जो कि महाभारत वार हुआ था 900 BC में। नेक्स्ट नंबर 15, व्हिच इज द लार्जेस्ट सिटी इन हरियाणा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट सिटी मतलब हरियाणा की इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के मामले में सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, ये है फरीदाबाद, अच्छे से याद रखिएगा ऑप्शन बी जो देख रहा है फरीदाबाद, याद रखना 14 लाख से ज़्यादा इसका पॉपुलेशन है, 14 लाख से ज़्यादा, और इसके बाद आएगा जो कि गुरुग्राम, और ये बात भी अच्छे से याद रखना, गुरुग्राम के बाद पानीपत आएगा, अच्छे से याद रखना पानीपत, अभी हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द हरियाणा डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन व्हिच डेट टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एज ए सेपरेट स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि हरियाणा डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है एनुअली, किस लिए ये सेलिब्रेट की जाती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा के रूप में, मतलब सेपरेट स्टेट जब बने उसी डेट को सेलिब्रेट की जाती है, याद रखिएगा ये सेलिब्रेट की जाती है हरियाणा डे नवंबर 1 को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नवंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरियाणा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस भगवद गीता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि द फेमस भगवद गीता वॉज डिलीवर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन ऑन द बैटल फील्ड ऑफ, कौन से बैटल फील्ड में ये दी गई थी, मतलब लॉर्ड कृष्णा ने जो कि अर्जुन को दी है, ये कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कुरुक्षेत्र,
और अभी ये हरियाणा में स्थित है। अभी हमने डिस्कस की थी हरियाणा की एक स्टेट है, एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये बात अच्छे से याद रखना, जो हमारा जो भगवत गीता है इसमें 18 चैप्टर रहे, इसने 18 चैप्टर और 700 वर्सेस मतलब है, श्लोक रहे, मतलब 700 श्लोक और वर्सेस रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। ये 700 श्लोकों में से, 700 श्लोकों में से जो कि 574 ये दी गई है कृष्णा के द्वारा, श्री कृष्णा के द्वारा, और अर्जुन ने दी है, अर्जुन ने 84 दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और संजय ने जो कि 41 दी है, और एक श्लोक दी गई है जो कि पहला, जो कि फास्ट जो कि वर्षे से, ये दी गई है धृतराष्ट्र के द्वारा, ये दी गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि भगवत में 18 चैप्टर और 700 वर्सेस रहे, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द दुलबेंदी फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज द होली फेस्टिवल। दुलबेंदी फेस्टिवल को होली फेस्टिवल नाम से जाना जाता है। इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेरवर इन हरियाणा, ये हरियाणा में सेलिब्रेट की जाती है, याद रखिएगा। व्हाट इज इट कॉमनली नोन एज, इसे कॉमनली कौन से नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये फेस्टिवल को रंग पंचमी नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रंग पंचमी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 19, व्हिच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हरियाणा, नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। ये जो कि मैन मेड लेक है, जो कि हरियाणा के कौन सी प्लेस में स्थित है, और ये याद रखिएगा हरियाणा में स्थित है, और इसका नाम क्या है, ये लेक का नाम क्या है, याद रखना। ऑप्शन ए जो देख रहे हो, याद रखना बटखल, बटखल लेक जो कि एक म्यान मेड लेक है, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इज द लार्जेस्ट सिटी इन द हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, मतलब लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, हमने लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस की, ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, जो लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, ये है फरीदाबाद। ऑप्शन ए जो देख रहे हो, फरीदाबाद। नेक्स्ट नंबर 21, द महाभारत वार ये सिग्निफिकेंस इवेंट इन इंडियन मिथोलॉजी, इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस की है, ये कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में ये हुआ है महाभारत। ऑप्शन ए जो देख रहे हो, याद रखना जो ये महाभारत वार है ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट नंबर 22, व्हिच इज द फेमस कैटल फेयर हेल्ड अनुअली इन हरियाणा, नोन फॉर इट्स ट्रेडिंग ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट। ये कौन सी फेस्टिवल ये सेलिब्रेट की जाती है, मतलब कैटल फेयर हेल्ड इन हरियाणा, ये है जींद फेयर। ऑप्शन ए जो देख रहे हो, जींद फेयर। नेक्स्ट नंबर 23, द राखी गरी आर्कियोलॉजिकल साइट इन हरियाणा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ व्हिच एंशियंट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, मतलब राखी गरी आर्कियोलॉजिकल साइट, ये कौन सी सिविलाइजेशन से ये रहे, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, याद रखना। ऑप्शन ए जो देख रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन हरियाणा, नोन फॉर इट्स स्टील इंडस्ट्री एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। व्हिच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन हरियाणा, नोन फॉर इट्स स्टील इंडस्ट्री एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये है पानीपत डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी जो देख रहे हो, पानीपत, अच्छे से याद रखना। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस की है, पानीपत इसी प्लेस पर, जो कि पानीपत फर्स्ट पानीपत हुआ था, सेकेंड पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी इसी प्लेस पर हुआ था, अभी हमने डिस्कस की थी, याद रखिएगा। ये एक स्टील इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है, काफ़ी फेमस है पानीपत, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 25, द केल्सर नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स रिच फ्लोरा एंड फौना, ध्यान से सुना, फ्लोरा एंड फौना इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ये स्थित है यमुनानगर में। ऑप्शन बी जो देख रहे हो, यमुनानगर, याद रखिएगा। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की, हरियाणा स्टेट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहेगा।
सो मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।